हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का सीरीज, यानी कि ये हमारा तीसरा सीरीज हो जाएगा और इसका एक बार आप मूल्यांकन कर लीजिए। अगर आपसे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू हो रहा है और 25 क्वेश्चन में कम से कम 18 से 20 अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर इससे बहुत ही कम आने लगे तो सोचिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत का जो पहला प्रश्न है कहता है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, कहता है कि वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। कहता है यहाँ पे एक बार और देखते हैं, कहता है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो राज्यों की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो कहता है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस ज़िले को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जल जीवन सर्वेक्षण यानी कि जल जीवन सर्वेक्षण जो 2023 का रिपोर्ट आया उसमें ये कहा जाता है कि भारत में बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जो अव्वल स्थान दर्ज किया, कौन सा बिहार का किस ज़िले को देश भर में क्या हुआ, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, आप लोग बनाते रहें, बनाने से ये होगा कि आपको मूल्यांकन करने में आसान होगा। कॉपी कलम में लेकर के अगर लिखते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि आप 25 में कितना सही कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, सत्रहवा यानी कि सत्रहवा जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। कहता है सत्रहवा प्रवासी भारतीय आयोजन जो इसका सम्मेलन है वो कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिए तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का बात कर दिया जाए तो ये इंदौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है, कहाँ चलाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा चीन की सीमा पे, इसका आंसर ए हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, चीन की सीमा पे हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखते हैं, अगला कहता है कि 68वें फिल्म फेयर, ये पोजीशन इसको याद रखना होगा, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। कहता है कि 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें किस अभिनेत्री को, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड क्या किया गया, प्रदान किया गया, फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं पाँच का क्या हो जाएगा, तो पाँच का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, जिसका नाम है आलिया भट्ट, क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। छठा का क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए इसके, कहता है कि बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनो है, फिर उसके बाद कहता है कि उपन्यास टाइम मैगजीन के मैगजीन को मिला है, फिर कहता है कि बुल्गारिया को पहला पुरस्कार मिला है, फिर उसके बाद कहता है कि अंग्रेजी जो अनुवादक है एजेला रोडेलो को क्या हुआ, कोई पुरस्कार मिला, फिर उसके ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। एक बार देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार 2023 है किस निम्न में से कौन सा गलत है, तो ये आपका हो जाएगा उपन्यास टाइम जो मैगजीन है ये गलत है, ठीक है। ये देखिए साइम टाइम सेलर को दिया गया है, बाकी सारा का सारा सही है, टाइम सेलर को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि भारत का पहला गोल्ड ATM, भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का, भारत का पहला गोल्ड ATM और कहता है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM, भारत का पहला ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM क्या किया गया, कहाँ लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा केरल, अहमदाबाद,
हैदराबाद, पटना भी है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो कहाँ मतलब लगाया गया है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्या रैंक है? क्या कहता है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थिति है, कौन सा स्थान है, ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, 126 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व यानी कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक में हम लोग पूरी दुनिया में 126वें स्थान पर आते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक उत्तरदायित्व पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक उत्तरदायित्व पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर की अगर बात कर दिया जाए तो ये देखिएगा इसमें हो जाएगा नौ का ये हो जाएगा केरल में हो जाएगा कुमारको। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा कुमारको। केरल का क्या हो जाएगा? कुमारको हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है कि वैश्विक उत्तरदायित्व पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो केरल में किया गया। और किस स्थान पे? तो कुमारको एक जगह है, देखिए ऐसे है कुमारकोम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया? कहता है एक बार और देखिए, 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन कहाँ किया है, ये हमारा 10 नंबर सवाल है। 10 क्या कहता है? तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग बनाइए और बना के बताइएगा कि कितना सही और कितना गलत हुआ। चलिए अगला सवाल है, कहता है एक्वेरियन 2023 अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कहता है एक्वेरियन जो है कौन से देशों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, अगर ये भी याद रहता है तो इससे भी आपका प्रश्न बन जाता है। कहता है कि ये जो एक्वेरियन है किस मतलब किसके संदर्भ में, निम्न से बताइए कि कौन संदर्भ में ये मतलब इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाता है? तो 11 क्या होगा, एक से अधिक गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक गलत हो जाएगा। अगर बात करिए किया जाए एक्वेरियन का, तो देखिए भारत और मालदीव के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में, भारत और प्लस मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है गलत है? कहता है यहाँ पे कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन क्या है गलत है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगर बात कर दिया जाए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का, तो देखिएगा ये जो इसको जारी करने वाला जो है ये हो जाएगा, मतलब समझिए कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जारी करने वाला जो है ना वो है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा होता है। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, कहता है कि वर्तमान में जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र है हमारे भारत का, कितने तटीय है जिनको ब्लू फ्लैग का मतलब समझिए कि दर्जा प्राप्त हुआ है, तो उसका बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कट गया थोड़ा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर सवाल। 15 कहता है कि हाल ही में जुलाई 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी है? कहता है
एक चीज़ और देखिए, कहता है कि जुलाई 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर की सूची, ये एक सर्वेक्षण है, कहता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी है, किस देश, मतलब किस देश की है, और ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी शक्तिशाली सेना कौन सा है, इन देश में नाम बताइए और किसके द्वारा। तो कहता है कि ग्लोबल फायर पावर के अनुसार ही बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसका है। तो सबसे ज़्यादा अगर शक्तिशाली की बात किया जाए तो हो जाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका में सेना एक भी अगर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट एकदम सख्ते में आ जाती है, और यहाँ पे देखते हैं भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ की सेना में बहुत समझिए कि बहुत सारा चीज़ें उसमें कैटेरियाज अलग अलग किया गया है, और इसीलिए देखिएगा वहाँ पे गवर्नमेंट भी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है, और यही वजह होता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सम्मान की बात किया जाए, लोग विश्वास भी करते हैं तो अमेरिकी सेनाओं पर लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। और यही वजह होता है कि जब दुनिया में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने लगे तो अमेरिकी के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा सजेस्ट किया जाता है वहाँ पे माहौल को ठीक करने का। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, डी अमेरिका हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं अगला। कहता है कि विल्नियस, जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर कहता है विल्नियस, जिसने नाटो शिखर सम्मेलन में मेज़बानी की थी, वो किस देश में स्थित है। तो उसकी बात कर दिया जाए तो हो जाएगा लिथुआनिया। क्या हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लिथुआनिया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2000 अगर बात करें 22-23 के अनुसार, तो किस राज्यों में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक की मात्रा, मतलब पाया गया, क्या कहता है, कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। 17, क्या कहता है 17 में, तो देख लीजिए 17 का ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है 18 नंबर। 18 क्या कहता है, कहता है कि लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, लाइफ का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न नंबर है 18, 18 क्या कहता है, 18 का हो जाएगा लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट हो जाएगा इसका, जो लाइफ का पूर्ण रूप है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, कहते हैं कि बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बाजरा अनुसंधान संस्थान की बात कर दिया जाए तो देखिएगा बाजरा के उत्पादन में, और बाजरा का सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो राजस्थान में हो जाता है। अगर प्रथम संस्थान की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर, और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तो इनमें से, मतलब मानिए ना कि कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि अगर हैदराबाद भी अगर आता है तो हैदराबाद भी, मतलब समझिए कि अभी फ़िलहाल में तो सही माना जाएगा, लेकिन बात यह है कि कहता है कि बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा विमोचित पुस्तक मानवी की संघर्ष गाथा, क्या कहता है राज्यपाल का जो है, मानवी की क्या हो जाएगा, मानवी की संघर्ष गाथा की क्या किया, विमोचन जो पुस्तक इन्होंने किया था, देखिएगा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा विमोचित पुस्तक मानवी की संघर्ष गाथा की, ठीक है, रचना की गई, किसके द्वारा किया गया, तो देखिएगा इसमें है ईडन विजय लक्ष्मी के द्वारा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईडन विजय लक्ष्मी के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है, क्यों क्वेश्चन कट जा रहा है, कहता है कि गंगा संस्कृति यात्रा निकाली जाएगी, गंगा संस्कृति यात्रा निकाली जाएगी, तो कहाँ से निकाली जाएगी, तो देखिएगा गंगा संस्कृति यात्रा की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगोत्री गंगा सागर से, ठीक है, गंगोत्री गंगा सागर से गंगा संस्कृति यात्रा क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
कहते हैं कि केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक देश के कितने हवाई अड्डों को कार्बन मुक्त हवाई अड्डा बनाने का क्या किया है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 की अगर बात कर दिया जाए तो देख लीजिएगा 121 हो जाएगा। कितने हवाई अड्डों को, तो 121 हवाई अड्डों को लक्ष्य रखा है, यानी कि केंद्रीय नगर एवं विमानन जो मंत्रालय है 2025 तक यानी कि 121 हवाई अड्डों को क्या क्या करने का रखा है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कार्बन मुक्त हवाई अड्डा बनाया जाएगा, तो लगभग कितने हवाई अड्डों को, तो 121 हवाई अड्डों को। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में अप्रैल 2023 में पहली जल इकाई गणना का कार्य संपन्न किया है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत है। क्या कहता है कि सर्वाधिक जल स्रोत कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में अप्रैल 2023 में क्या किया, पहली जल इकाई गणना का कार्य संपन्न किया और उसमें ये बताया कि किस राज्य में सर्वाधिक जल का स्रोत हो जाएगा। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसका अंतिम सवाल पर हम लोग ध्यान देते हैं। अंतिम है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अंतिम सवाल है। कहता है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यानी कि सर्वोत्तम या सर्वोच्च कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो कौन राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, इतना बनाने के बाद आप देख लीजिए आपके पास कितना सही हुआ। अगर मानते हैं कि 18-20 के राउंड में अगर सही है तो ठीक है, तो आपको पढ़िए, मतलब प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे आपको जो प्रश्न मिलेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल से ही। जो लोग प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करंट उन्हीं का अच्छा होता है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, न्यूज़पेपर हो गया और प्रतियोगिता दर्पण अगर क्रॉनिकल आपके पास है तो समझिए कि इससे बेहतर कोई भी बुक हो ही नहीं सकता और इससे अच्छा बुक माना भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे बुक है मार्केट में, सभी लोग अपना अपना करते हैं। आप भी अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, इसी पे कमांड करिए तो समझिए कि बीपीएससी और दारोगा में चाहे 30 32 35 कितना हो प्रश्न पूछा जाए आप ज़रूर बना के आएंगे। तो वहीं से हमने क्वेश्चन को निकाला है, प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल का दोनों का मिला जुला रूप है, आप यहाँ से देखिएगा कितना आप सही कर ले रहे हैं। तो कम से कम 18 और 20 के अराउंड में अगर सही है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छा है, नहीं तो स्टडी फिर से करिए, फिर दोबारा रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।